सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस मंगा के ओरिजिनल क्रिएटर और राइटर का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप सभी उन्हें भी जाकर अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना। तो हम सभी देखते कि कोड़ा ने अनाथस को हरा दिया होता है और तभी मरनो वहां से भाग जाता है और उसके बाद अनाथस भी वहां से चले जाता है और तभी हम सभी देखते कोड़ा और जोमान को और तभी जोमान कहता है, सच में कोड़ा, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुमने उसे हरा दिया, लेकिन आखिर कैसे? जिसके ऊपर तभी कोड़ा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि वक्त के साथ सभी लेजेंडरी सेंस को और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? जिसके ऊपर तभी जोमान शांत हो जाता है और वो कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है कोड़ा, हम सभी लेजेंडरी सेंस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी अनाथस को हराने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। रेंडोर, गोमा, आहारो, जेनको सभी ने अपनी सारी शक्तियां पूरी तरीके से लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो सभी मेरी आंखों के सामने मारे गए। जिसके ऊपर कोड़ा कहता है, सच में इस मल्टीवर्स के अंदर कमजोर लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, जो अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकता उसे जीने का कोई भी हक नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वक्त के साथ अगर हम सभी लेजेंडरी सियन और भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुए तो हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है, और जैसा तुमने देखा ही सभी लेजेंडरी सियंस धीरे धीरे करके घमंड के साथ में अंदर से खोखले होते गए, और इसी वजह से उन लोगों ने अपने आप को ट्रेन करके और भी ज़्यादा शक्तिशाली होने से रोका। मैंने कहा था ना कि घमंड हर एक वॉरियर को हमेशा हमेशा के लिए अंदर से खोखला कर देता है। भले ही हम सभी लेजेंडरी सियन हैं, लेकिन हम अपनी लिमिट को खुद बढ़ा भी सकते हैं। जिसके ऊपर तभी जोमान कहता है, मुझे माफ कर देना कोड़ा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सभी लेजेंडरी सियंस उस अनाथस के हाथों मारे गए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं दूसरा लेजेंडरी सियन हूँ, लेकिन मेरे पास भी इतनी शक्तियाँ नहीं थी कि मैं अनाथस को ये सब करने से रोक सकूँ, और उसने सेनको को मेरी आंखों के सामने तड़पा तड़पा के मार दिया। जिसके ऊपर तभी कोड़ा कहता है, मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम्हें अपने छोटे भाई को अपनी आंखों के सामने खोता देखा, और शायद मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि बरसों पहले लॉर्ड अकुमो ने मुझे ऐसा ही करने को कहा था क्योगा के साथ में। जिसके ऊपर तभी जोमान कहता है, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कोड़ा, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अनाथस सच में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो शायद मैं भी मारा जाता, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा और कोई भी अनाथस का सामना कर सकता था। जिसके ऊपर तभी कोड़ा कहता है, ये तो अभी सब चीज़ों की बस छोटी सी शुरुआत है जोमान, अनाथस सिनोसामा का सबसे छोटा बेटा है, और उसने आते ही सभी लेजेंडरी सेंस को ख़त्म कर दिया, तो उसके बाकी बचे हुए भाई उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, खास करके थाइमस सिनोसामा का सबसे बड़ा बेटा, उसकी शक्तियों की बराबरी सच में करना काफ़ी मुश्किल है। जिसके ऊपर तभी जोमान कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये तो सच में काफ़ी बड़ी मुसीबत है। जिसके बाद तभी हम सभी को मरनो का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो नंबर वन लेजेंडरी सियन क्या सच में इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि उसने लॉर्ड अनाथस को हरा दिया? मुझे नहीं लगा था कि इन सभी लेजेंडरी सियंस में से कोई भी लॉर्ड अनाथस का सामना करने के भी लायक होगा, और मुझे तो लगा था कि यामोशी और अकुमो भी सिर्फ लॉर्ड अनाथस के सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन उस नंबर वन लेजेंडरी सियन के आते ही सब कुछ उल्टा हो गया। जिसके बाद तभी हम सभी देखते अनाथस को, जो कि कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस सियन के पास सच में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि उसने मुझे हरा दिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जिसके बाद हम सभी देखते वापस से मरनो को, जो कि कहता है, लेकिन अभी भी सब कुछ पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, आधे से ज्यादा लेजेंडरी सियन मारे गए हैं, उसके अलावा वो दो ही लेजेंडरी सियन बचे हैं और वो अकुमो, आखिर ये तीनों ही मिलकर क्या कर सकते हैं जब सिनोसामा के बचे हुए बेटे यहाँ पर आएंगे। जिसके बाद हम सभी को वापस अनाथस का सीन दिखाया जाता है, और अनाथस कहता है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि आखिर एक लेजेंडरी सियन इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है कि वो सन ऑफ जिनो
वो भी मुझे यानी कि अनाथस को हरा सकता है। लेकिन मुझे मालूम है कि ये तो बस अभी अभी शुरुआत थी। जब बड़े भाई यहाँ पर आएंगे तब मैं देखता हूँ कि आखिर ये बाकी के बचे हुए लेजेंडरी सैयन और वो नंबर वन लेजेंडरी सैयन आखिर क्या कर लेता है। जिसके बाद हम सभी को वापस से जोमान और कोड़ा को दिखाया जाता है और तभी कोड़ा कहता है, जोमान जितना जल्दी हो सके तुम्हें अपने आप को भी और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा, क्योंकि वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। जिसके ऊपर तभी जोमान कहता है, लेकिन कोड़ा इस समय में लॉर्ड अकुमो कहाँ है क्या तुम्हें पता है? क्योंकि मुझे तो ये बात मालूम चल गई है कि मुझे अब और भी ज्यादा शक्तिशाली होना है। और अनाथस की शक्तियाँ क्या लॉर्ड अकुमो को इन सभी के बारे में पता है? और आखिर वो इतने समय से है कहाँ पर? जिसके ऊपर तभी कोड़ा कहता है, मुझे लगता है कि लॉर्ड अकुमो इस समय कासुमा को जिंदा कराने का शायद कोई और रास्ता देख रहे होंगे। लेकिन इस समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन सभी से बड़ा हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है। ये मैं तुम सभी को पहले भी बता चुका था, लेकिन तुम सभी ने मेरा साथ नहीं दिया था। जिसके ऊपर तभी जोमन कहता है, तो आखिर अब हमें क्या करना है कोड़ा? जिसके ऊपर तभी कोड़ा कहता है, वैसे तो मुझे बहुत से काम हैं, लेकिन इस समय पे तुमने भी देखा कि सिर्फ एक जिनोसामा के बेटे ने कितनी ज्यादा तबाही मचा चुका है और उसने हमारे सभी लेजेंडरी सीन्स को खत्म भी कर दिया है। और मैं तो इस बात को सोच रहा हूँ कि अनाथस जिनोसामा के उन चारों बेटों के सामने तो कुछ भी नहीं है। जो सुन के जोमान कहता है, क्या सच में उन बाकी के चारों बेटों में इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो अनाथस को भी बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और अनाथस उनके सामने कुछ भी नहीं है? जिसपे कोड़ा कहता है, हाँ गोरस सोमस और उन सभी में जिनोसामा का सबसे बड़ा बेटा थाइमस उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता और उसके पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां हैं। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ जोमान कि तुम्हें अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि तुम दूसरे ताकतवर लेजेंडरी सैयन हो और इस मल्टीवर्स के अंदर जो कोई भी शख्स कमजोर है और जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसे जीने का हक नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा शक्तिशाली लोग आते रहेंगे वो कमजोरों को दबाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि हमें और भी ज्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा जोमान, और खास करके जब वो चारों बेटे जिनोसामा के यहाँ पर आएंगे तब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं होगा और तब हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा। और उनके पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां हैं, खासकर कि थाइमस जिनोसामा का सबसे बड़ा बेटा। तो इसीलिए हमें अपने आप को एकदम तैयार करना होगा। सो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप सभी को ये किंग ऑफ एवरीथिंग मांगा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है सो इनके ओरिजिनल क्रिएटर और राइटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो आप सभी उन्हें भी जाकर अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाना। और हाँ, साथ ही में आजकल इस मांगा के चैप्टर बहुत ही जल्दी आप सभी के पास पहुँच रहे हैं, तो इसीलिए आप सभी अपना सपोर्ट भी हम सभी को ज़रूर से दिखाना।